चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर 5, अर्थ आवर प्लैनेट। मेरे साथ रिपीट करना है, व्हाई इज द अर्थ, व्हाई इज द अर्थ Why कॉल्ड कॉल्ड the ब्लू प्लैनेट, blue planet? द ब्लू प्लैनेट। ठीक है, अर्थ ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है अर्थ को? आंसर, बिकॉज द 3/4, द 3/4 the 3/4 of the earth, of the earth is covered with water, is covered with water. is covered with water, Is covered with water. so it looks blue. So it looks blue In color. in color. इन कलर। In color. ठीक है, अर्थ को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है? अपन एक डायग्राम को देखकर बताता हूं मैं। ये फॉर एग्जांपल डायग्राम, ये अर्थ है ना, रफली मैंने डायग्राम बनाया है। ये अर्थ है, ये इसके चार पार्ट है। ओके, ये अर्थ के चार पार्ट है, जिसमें से 3/4, 3/4 मतलब तीन पार्ट, 1 2 3, ये क्या है? वाटर से कवर्ड है ना। तीन पार्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ये पूरा 100% है, ये चारों पार्ट मिलकर 100% बन रहे हैं, तो एक पार्ट कितने का होगा? 25%, है ना। 25 25 25 25 हो गए 100, तो जिसमें से 75% क्या है? वाटर है। मतलब अर्थ का, अर्थ के तीन पार्ट क्या है? वाटर से कवर्ड है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ब्लू प्लैनेट। चलो क्वेश्चन और आंसर लर्न रिपीट कर लो एक बार दीप। दीप Why is the water का है वॉटर, Earth called the blue planet? Answer: Because the 3/4 of the Earth is called covered with water, so it looks blue plain in color. ठीक है, चलो इसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट करो तनिष। यस सर, फर्स्ट क्वेश्चन और आंसर फिर से रिपीट कर लो, ये वाला। वाला. हाँ, फर्स्ट वाला। Yes. Question: Why is the Earth the blue planet? Answer: Because the 3/4 of the Earth is covered with water, so it looks blue in color. ओके, चल नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन विराट। अरे आवाज आ रही है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द, कैमरा चालू हो जाना. परम,
क्वेश्चन नंबर टू मेरे साथ रिपीट करो. व्हाट इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ? एक्सिस ऑफ द अर्थ. व्हाट इज द एक्सिस ऑफ द अर्थ? एक्सिस ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो एक्सिस है, एक्सिस क्या होती है? पढ़ते हैं अपन आंसर. द एक्सिस ऑफ द अर्थ. द एक्सिस ऑफ द अर्थ. द एक्सिस ऑफ द अर्थ. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन. इज एन इमेजिन क्या है? इमेजिनरी लाइन. Is an imaginary line. Is an imaginary line. Passing through. The center of the earth. The center of the earth. Passing through the center of the earth. The center of the earth. Upon which the earth spins. The earth spins. The earth spins. The earth spins. ठीक है, एक्सिस क्या होती है इसको भी डायग्राम देके समझाता हूं मैं. ये अर्थ है ना, रफली मैंने बनाया है. तो ये अपन ने अज्यूम कर रखा है कि अर्थ को कोई एक लाइन है जो दो पार्ट में कवर्ड करती है ना, दो इक्वल पार्ट्स में है ना. जैसे ये लाइन है एक, अपन ने एक इमेजिनरी लाइन बना दी. ठीक है, ये अर्थ को क्या कर रही है? दो पार्ट में डिवाइड कर रही. ठीक है, ऐसे नहीं, वेट अ सेकंड. Like this. ठीक है, ये दो पार्ट में अर्थ को डिवाइड कर रही है ना. ऊपर वाला पार्ट को क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. और नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे? अगर ऊपर वाला पार्ट नॉर्दर्न है तो नीचे वाला, बेटा सब पढ़ा रखा है मैंने, क्या भूल जाते हो इतनी जल्दी? सदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, तो ये जो लाइन है ना, ये इमेजिनरी है, मतलब ये एक्चुअल में नहीं है, सिर्फ अपन ने इमेजिन कर रखा है, सोच रखा है. ठीक है, अब यही लाइन होती है. चलो आंसर हो, क्वेश्चन एक बार रिपीट कर लो. WHAT, व्हाट इज द एक्सेस ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द एक्सेस ऑफ द अर्थ? Answer: the excess of the earth is an imaginary line. PASSING, passing, THROUGH, through the CENTRE, country of the earth. UPON, UPIN, WHICH, with the earth spin. बेटा सारे वर्ड्स ही फिर ऐसे पढ़ लेते, THE, AXIS, सारे वर्ड ही ऐसे पढ़ते, फिर ऐसे रीड करेंगे अपन थर्ड में आके. मैं रिपीट करवा रहा हूं उसके बाद भी. हाँ रिद्धि, इसी क्वेश्चन और आंसर को एक बार रिपीट कर लो. और खाना है क्या? ये हो गया, पापा बोल रहे थे पापा नहीं खाए, बाद में खा लूंगा, दे दो. चलो आराध्य, इसी क्वेश्चन और आंसर को रिपीट करो सेकंड.
एक्सिस ऑफ द अर्थ, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन, ये क्या है इज एन के बाद? इमेजिनरी, इमेजिनरी लाइन पिसिंग थाउट द अर्थ यूपन विच द अर्थ स्पिन। बेटा बहुत सारे वर्ड गलत बोले, ये पासिंग है, पासिंग इमेजिनरी थ्रू सेंटर और अपॉन, ये सारे वर्ड प्रॉपरली लर्न करना ना। यस सर। एक बार फिर से इसको रीड कर लेगी। चलो कनक एक बार रीड कर लो। बेटा कितनी नेम से आईडी बनाते हो? चलो रीड रीड सेकंड वाला। सिर्फ व्हाट इज द एक्सिस, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग through the center of the earth upon which the earth spins। देखा ऐसे रिपीट करना है सारे स्टूडेंट्स को, नो मिस्टेक। चलो क्वेश्चन नंबर 3 रिपीट करेंगे आफरीन। क्या नाम है बेटा आपका? आफरीन ही है? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। What are the poles of the earth? Poles of the earth. What are the poles of the earth? Poles of the earth. Name them. ठीक है, पोल्स क्या होते हैं अर्थ के? पढ़ते हैं अपन, द टू अपोजिट पॉइंट्स, द टू अपोजिट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस द टू अपोजिट पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस थ्रू विच द एक्सिस पासेस are called the poles. The earth has two poles. The North Pole and the South Pole. The North Pole and the South Pole. ठीक है, poles क्या होते हैं? Earth के दो points होते हैं बिल्कुल corner पे। For example ये Earth है, ठीक है, एक point यहाँ पर है और एक point यहाँ पर। यहां से क्या पास होती है? एक्सिस। अब एक करेक्शन कर लेना आप, मैंने अभी आपको बताया क्या था, यहां से एक्सिस बताई थी है ना, एक्सिस होती है यहीं से है ना, और यहां से क्या होता है? इक्वेटर। इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है ना, और एक्सिस ऊपर से आती है मतलब नॉर्थ से और साउथ को क्या करती है? कनेक्ट करती है। ठीक है, तो जो एक्सिस है वो कैसी होती है? वर्टिकल है ना, मतलब ऐसी होती है ना।
तो यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, ये दोनों कनेक्ट होके किससे कनेक्ट होते हैं, एक्सिस। अर्थ के दो पोल्स होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चलो रिपीट कर लो एक बार आफरीन, क्वेश्चन और आंसर। बेटा क्वेश्चन और आंसर रिपीट कर लो जल्दी। चलो पंचशील, क्वेश्चन और आंसर। रिपीट। व्हाट आर द पोल्स ऑफ द अर्थ, नेम देम। द टू अपोजिट पोल्स ऑन द अर्थ अर्थ सरफेस थ्रू विच द एक्सिस प्लेस पास आल द पोल। सो द अर्थ हैव टू पोल्स, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ओके चलो एक लास्ट आंसर रीड करवाते हैं अपन। बुरहानुद्दीन, चलो उत्सव। उत्सव चलो ये किसका है, HELLO, किसकी आईडी है? नहीं उत्सव आवाज आ रही है। यस सर। आवाज आ रही है। यस सर। क्वेश्चन, वॉट इज एन ऑर्बिट? वॉट इज एन ऑर्बिट? वॉट इज एन ऑर्बिट? वॉट इज एन ऑर्बिट? आंसर, द फिक्स पाथ। द फिक्स्ड पाथ। द फिक्स्ड पाथ। The fixed path on which the earth goes, the earth grow goes, the earth goes, the earth goes around the sun, around the sun is called the orbit. Is called the orbit. Around the sun. Around the sun. Is called the orbit. Is called the orbit. चलो क्वेश्चन और आंसर एक बार रिपीट कर लो फिर एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन फोर, व्हाट इज एन ऑर्बिट? आंसर,
the fifth path on which the earth goes around the sun is called the orbit. ठीक है, ऑर्बिट क्या होती है? ये सन, ये अर्थ, ठीक है, सन अर्थ, अर्थ क्या कर रही है? सन के अराउंड मूव कर रही है, ठीक है. अब अगर ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है तो अर्थ हमेशा इसी लाइन पर क्या करेगी? मूव करेगी सन के आसपास, ठीक है. ये अपनी प्लेस कभी भी चेंज नहीं कर सकती, मतलब ये यहां से थोड़ी सी मूव नहीं हो सकती, है ना. ये हमेशा इसी फिक्स पाथ पर, फिक्स पोजीशन पर ही क्या करेगी? मूव करेगी. इसी को क्या कहते हैं? ऑर्बिट. ये जो मैंने लाइन बनाई ना, इसी को क्या कहते हैं? ऑर्बिट. क्लियर? चलो क्या आया है, एक सेकेंड. हाँ यस सर, आज हिंदी क्लास और मैथ. सर आज हिंदी क्लास और मैथ्स की क्लास लगेगी क्या? बेटा हिंदी की तो लगेगी, मैथ्स का नहीं पता मुझे, है ना. एक बार मैं मैथ्स का. यस सर. ठीक है चलो. ऑल ऑफ यू क्लियर? चार आंसर है प्रॉपरली लर्न करने हैं. कल अपन लॉन्ग आंसर लर्न करेंगे. यस सर. यस सर. चलो ठीक है, वी आर एंडिंग द क्लास. ये चार आंसर प्रॉपरली लर्न करके रखो, है ना. स्मॉल आंसर है, ज्यादा इतने बड़े भी नहीं है.